अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कॉन्डम्स? अभी यूज नहीं करा मैम। कितने साल के हो? 19। स्कूल में सेक्स एजुकेशन होता है? 8th में पढ़ लिया था। पढ़ लिया था सब? पढ़ंतु बच्चे हम। टीचर्स नहीं पढ़ा टीचरों ने। आप कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में क्या सोचते हैं? क्या चीज? कॉन्ट्रासेप्शन। रिगार्डिंग आई डोंट नो अंडरस्टैंड। कॉन्ट्रासेप्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? निरोध। हाँ, निरोध के बारे में क्या? सॉरी, डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन पीपल द मोटिव ऑफ दिस एंटायर थिंग। कॉन्ट्रासेप्शन। बट आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। इट्स सोशल, इट्स इम्पॉर्टेंट। ओह नो, चलो ओके। अरे भाग, एक मिनट। अच्छा, एक बात बताओ, निरोध के बारे में सुना है? कॉन्ट्रासेप्शन डे, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे है, एंड आई एम नॉट वेरी श्योर कि लोगों का इस पर क्या राय होगा। एंड व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन? आई थिंक दे मस्ट थिंक अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। लेट्स सी हाउ मेनी पीपल आई फाइंड हु आर विलिंग टू स्पीक अबाउट इट। कम। कॉन्डम के बारे में सुना है? कॉन्डम सुनते तो घर रहते हैं। सही चीज है, गलत चीज है? सही भी है, खराब भी है। खराब भी हो जाता है। क्या बोल रहे? सेफ्टी है और क्या है? सेफ्टी है और क्या है? I've been using a lot. So you've been using a lot, you said. It's a very important shield. You know, like I mean, it's a very important shield. You know. Yes, I know. Yeah. So it's always good to use it. पर अगर किसी को नहीं करना है यूज़ तो? वो बेवकूफ है। And especially when you're going to a new face, if you don't know somebody and you're going there and you don't use it. Yes. It's very dangerous. शादीशुदा है? कपल है? निरोध के बारे में क्या सोचते हैं? देखो, हमारी उम्र तो निकल गई, हाँ, लेकिन वो सही बात है। आप क्या सोचती हैं? इनको तो कुछ पता ही नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जमाने में इसके बारे में क्या सोच विचार थी तो? उस जमाने में ज्यादा वो लोग नहीं करते थे। He is not even shy to talk about it, so it's good. But he was controlling her. That was not. Do you think it is important to talk about contraception? Can't. Don't you think it's important to talk about it? Can't say. I think more or less it's the choice. I think that's my opinion about contraception, honestly. Nonetheless, it's important and necessary also. Do you know about women condoms? No. Okay. So there are some condoms which are specially designed for women. How does it feel? That's great. yeah, I've heard about copper tees and stuff like that. I guess it goes both ways, but I guess condoms are the most effective contraception. It is very essential. Otherwise, it will create all kinds of complications. Hello, sir. एक मिनट, एक सवाल पूछ सकती हूँ? आप निरोध के बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो सोचता नहीं मैडम। नहीं, पर सोचना चाहिए ना? अरे क्या सोच? अरे अच्छा, चलो. Okay, this is the problem with this country. कि कोई बात नहीं करना चाहता है contraception पे. क्या है यार? ये तो स्कूल बंक करके आ रहे हैं, गार्डन में पकड़े जाने वाले हैं, मास्क पकड़ ली। स्कूल नहीं गए तुम लोग, है ना? स्कूल बंक किया ना? रुको तो एक सेकेंड, मास्क पहन लो। इंटरव्यू अभी शुरू का हुआ है। हाउ ओल्ड आर यू? 17 16 17 क्या एज होनी चाहिए सेक्स एजुकेशन के लिए? एजुकेशन के लिए सेक्स एजुकेशन 17 सेक्स एक कॉमन टर्म हो गया। पहले लोग छुपते थे, अब बोलना आसान हो गया, तो इसके लिए ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और अबॉर्शन के बारे में क्या सोचते हो? किस पर्पज़ से की जा रही है वो डिपेंड करता है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए की जा रही है तो सही है, और अगर लड़की या लड़का देख के की जा रही है तो गलत है। अबॉर्शन का मतलब तो ये है कि एक हत्या होती है ना,
एक हत्या होती है आने से पहले उसको हत्या करते तो इसी बॉडी रॉन्ग। पर ये कौन डिसाइड करता है कि आप मतलब लाइफ है या नहीं है, किस पॉइंट के बाद होनी चाहिए, इसको आप हत्या कैसे बोल सकते हैं? हत्या मतलब ये है कि आप बच्चे नादान है, गलती कर जाते तो उसका भरोसा कौन भुगतेगा उसकी सजा। I mean, it's not compulsory that you should have a child. अगर नहीं पसंद है, नहीं। Zoom in to that man and show that it's Mr. Kejriwal. Karna. आपको भी लग रहा है केजरीवाल साहब? सर, हेलो सर, मैं एक सोशल इशू पे बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। अबॉर्शन के बारे में क्या सोचते हो? ठीक भी है और नहीं भी है। ठीक इसलिए है कि मतलब अगर मुझे ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं है तो फिर। कितनी इसमें चॉइस औरत की होनी चाहिए, कितनी प्रतिशत, क्या पूरी तरह से चॉइस औरत की होनी चाहिए इसमें? इसमें दोनों का ही होगा तभी हो पाएगा। पर बॉडी तो उसकी है। बॉडी उसकी है लेकिन जब उन्होंने बच्चों के लिए सोचा, बच्चा करने का सोचा, तो मैं समझता हूँ कि दोनों का 50-50 शेयर होना चाहिए। पर लेकिन वो ग्रो तो बॉडी उसी के में करेगा, तो आपको नहीं लगता औरत का से ज़्यादा होना चाहिए एटलीस्ट? चाहे भाई दोनों के साथ थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज कीजिए सर, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज कीजिए। नहीं मतलब सहमति दोनों की होनी चाहिए। 50-50 नहीं नहीं, देखो दोनों की सहमति से ही होता ही है, विदाउट सहमति तो होता नहीं है, ये भी आप मानते हो ना। और अगर औरत नहीं चाहती है और मर जाता है तो वो गलत बात है। वो गलत है। क्या गलत? गलत है अगर लेडी नहीं चाहती है और जेंट्स चाहता है तो वो भी उसमें भी बात बन नहीं पाएगी। फिर क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए फिर। अच्छा मतलब आप बोल रहे हैं कि मर्द का से इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू गाइज लुक फेयरली यंग टू मी, हाउ ओल्ड आर यू गाइज? 18 तो अबॉर्शन के बारे में क्या सोचते हो? इट शुड बी डन व्हेन इट्स द राइट टाइम। द पर्सन शुड नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम लाइक टू डिसाइड इफ यू दे वांट टू अबॉर्ट और नॉट। सो डू यू थिंक अबॉर्शन शुड बी लीगल? At first place, like I don't think that it should be done, because it affects a lot to the woman's health. They should be given adequate sex education about that, so that they are aware for further. Definitely. Like abortion is next step. Condoms important hote hai. Surprising tha that people know about female condoms. It's nice. I mean, a lot of people know about women condoms. एंड जहाँ तक अबॉर्शन का सवाल है तो क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे रीजंस की वजह से अबॉर्शन इलीगल है, इट्स नॉट लीगल बिकॉज ऑफ फीमेल फीटिसाइड, तो क्या आपको लगता है अबॉर्शन लीगल होना चाहिए? देर शुड बी अवेयरनेस, हाउ शुड इट बी इम्प्लीमेंटेड? तो हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। खैर वर्ल्ड कॉन्ट्रसेप्शन डे पर यहाँ हमने बात करने की कोशिश की अबाउट कॉन्ट्रसेप्शन, कि देश के जनता क्या सोचती है कॉन्डम्स के बारे में, और अगर सोचती है तो क्या बात करना चाहती है। तो जैसे कि आपने देखा वीडियो में और आपको समझ में आया ही होगा कि देश का मूड क्या है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कॉमेंट एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू अनकट फॉर मोर सच वीडियोज। आई थिंक आई गॉट अ लिटिल अनकम्फर्टेबल मैन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। एनीवे चलो बाय।